आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ट्स, वर्किंग विद चार्ट इन वीवी। ठीक है कि चार्ट को किस तरह से हम वर्क करेंगे वीवीए के अंदर। तो हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि आप चार्ट के ऊपर रिकॉर्ड करके देखिए और रिकॉर्ड करके आपको जो है चार्ट के बारे में बात हो जाएगी। सबसे बात समझिए कि चार्ट बनाने के लिए क्या फॉलो होता है। सबसे पहले बता दो कि चार्ट, हमने आपको बताया था कि हमारे पास जो मेंबर है, जैसे कि हमने बताया था एप्लीकेशन, एप्लीकेशन उसके नीचे आपका होता है वर्कबुक, उसके नीचे होता है आपका शीट्स, और उसके नीचे आपके पास होता है चार्ट ऑब्जेक्ट। चार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और चार्ट ऑब्जेक्ट के बाद होता है चार्ट, और उसके बाद आता है हमारा चार्ट की जो बाकी चीजें होती है, जैसे कि चार्ट टाइटल और बाकी चीज होता है वो। ये फोलोग्राम है आपके कि चार्ट टाइटल एंड बाकी जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके। समझ गए? तो सीट का पार्ट होता है चार्ट ऑब्जेक्ट, और चार्ट ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है चार्ट, और चार्ट के बाद जो है ये चीजें आपके पास आती है। समझ गए? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक चार्ट लगा लिया, मैनुअली चार्ट ही मैंने लगा रखा है। मैनुअली चार्ट को ही मैंने यहां पे मान लीजिए इंसर्ट कर रखा है, इंसर्ट, और यहां पे हमने चार्ट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये चार्ट हमारा आ गया। अब मान लीजिए मुझे इस चार्ट का टाइटल चेंज करना है, बड़ा बड़ा चार्ट है, इस चार्ट का टाइटल चेंज करना है। अब इसके लिए क्या कोड लिखेंगे देखिए। एक मिनट, बाकी मॉड्यूल से मैं डिलीट कर देता हूं, ये पहले के रिमूव। यहां पे मैंने सब्जेक्ट दिया, और यहां पे क्या लिखेंगे देखिए किस तरह से कोड दिखाएगा। दिखाएगा यहां पे वर्कशीट, या शीट्स दीजिए, शीट्स, कौन सा शीट है, शीट सेवन, शीट सेवन डॉट चार्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें कई सारे चार्ट है, तो हमने सीक्वेंस दे दिया कि पहला चार्ट, चार्ट ऑब्जेक्ट्स होता है, ठीक है, पहला चार्ट डॉट चार्ट डॉट चार्ट टाइटल। टाइटल डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, हमने बोल दिया यहां पे सेल्स रिपोर्ट,
सारा हो गया। अब मैं इस मैक्रो को रन करूंगा आपने इस रिपोर्ट पे, देखिए आ गया आपका सेल्स रिपोर्ट। तो इस तरह से हमने इसका इस्तेमाल किया। तो चार्ट का यही एक पर्नामेंटर होता है कि चार्ट यहां से इस तरह से किया जाता है। ठीक है सर, अब बात आती है इसमें कि चार्ट के सीक्वेंस नंबर के अलावा हम चार्ट के नेम से भी कॉल कर सकते हैं। हम चार्ट को सिलेक्ट करते हैं तो चार्ट का एक अपना नेम होता है। हमने यहाँ पे चार्ट ऑब्जेक्ट में हमने सीरियल नंबर लिया, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा चार्ट्स होते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो हर चार्ट का एक नाम होता है, जैसे देखिए चार्ट वन, इस नाम को अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो आप, कि जैसे यहाँ पे दे दिया SLT SRT, अब इसका नाम SRT हो गया। तो आप हमने जो VBA प्रोग्राम में लिखा इसके चार्ट टाइटल के लिए, अब वो देखिए उसमें कैसा चेंज होगा। तो यहां पे city_1 कर देता हूं मैं, और इसमें जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे इस तरह से। चार्ट सॉरी सीट्स होगा ना पहले, sheet 7 dot charts के अंदर में देंगे हम SRT.chartTitle.text equal to monthly sales report। ठीक है, लेकिन एक काम और भी होता है, हम चार्ट तो इसको बोलते हैं एम्बेड चार्ट। हमारे पास एक और आता है चार्ट जो कि होता है शीट चार्ट, जिसको आप F7 जो आप F11 होता है, माफ कीजिएगा F11 प्रेस करने पे ये आपका चार्ट दिख गया। तो F11 करने पे भी चार्ट बनता है वो चार्ट। तो उसको लिखने का तरीका जो होता है वो तरीका देख लीजिए क्या होता है। उस पर अगर मान लीजिए उसको कॉलिंग मेथड बता रहा हूँ, कोई चार्ट बने बने चार्ट को कॉल कैसे कर सकते हो, कॉलिंग मेथड है। तो यहाँ पे हो जाएगा शीट, और हमने चार्ट शीट का नाम क्या है चार्ट वन। यहाँ पे इन्वर्टर को हम लिखेंगे चार्ट वन,
डॉट चार्ट टाइटल डॉट टेक्स्ट, और यहां पे हम अपना लिख देंगे, अपना जो भी है लिख देंगे, मंथ सेल्स रिपोर्ट। अब जैसे मैं इसको प्ले करूंगा, यहां पे देखिए चेंज हो गया। तो चार्ट की एक कॉलिंग मेथड हो गया। अब बात करते हैं चार्ट को क्रिएट करने का, चार्ट किस तरह से क्रिएट किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। मैं इसको हटा देता हूं। अब मुझे जस्ट चार्ट क्रिएट करना है, तो हम यहां पे सिंपल सा कोड क्या लिखेंगे, देखिए अंडरस्कोर 3, चार्ट मुझे क्रिएट करना है, तो यहां पे हो जाएगा एक्टिव शीट, एक्टिव शीट डॉट सैप्स डॉट एड चार्ट, सॉरी सैप्स, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखिए चार्ट क्रिएट हो गया। तो जैसे यहां से हम चार्ट क्रिएट करते हैं, वो चार्ट क्रिएट होता है, लेकिन मुझे चार्ट चाहिए, मतलब कि हम अपने हिसाब से देना चाहते हैं कि ये लाइन चार्ट हो या कॉलम चार्ट हो, क्या चार्ट हो, मैं अपने हिसाब से देना चाहता हूं, समझ गया ना। ये तो डिफॉल्ट क्रिएट हो गया, तो आप अपने हिसाब से अगर देना चाहते हो तो उसके लिए हम कोड सिंपल कोड रखेंगे, चार्ट फोर करते हैं, यहाँ पे देखिए शीट 7 पे है, शीट 4, और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लेने चलता हूँ, शीट 4 डॉट, हमने यहाँ पे सैप्स के साथ हमने दे दिया यहाँ पे एड चार्ट, एड चार्ट कर लीजिए या एड चार्ट टू कर लीजिए, दोनों सेम होता है। और कौन सा चार्ट ऐड करना है ब्रैकेट में देना पड़ेगा आपके, तो मुझे यूज करना है एक्सेल, एड चार्ट में आ जाता है, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा एक्स, मैंने दिया एक्सेल, हर चार्ट का लाइन नाम होता है, लाइन मार्कर्स, और हमने यहां पे लिख दिया डॉट चार्ट। अब देखिए डेटा मैं सिलेक्ट है इनवैलिड प्रॉपर्टी, अच्छा टू ही होगा, शीट 4 डॉट शेप्स चार्ट, अच्छा ये लग रहा है कि एक्सेल ठीक है, एक्सेल 9 मार्कर, एक्सेल 9 मार्कर्स, ऐसे ये सपोर्ट नहीं कर रहा है इसको, 2010 का कोड है, 10 में सपोर्ट कर रहा है, 10 के बहुत सारी चीज जो है इस पे सपोर्ट नहीं कर रहा। जी हाँ, 10 का सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसका लिखने का एक और तरीका है हमारे पास, तो तरीका क्या आते हैं, अब दूसरा तरीका देखिए क्या है, हम डिक्लेयर करके भी चार्ट लिख सकते हैं कि डिम एम्स चार्ट एज ए, हमने दे दिया चार्ट, ठीक है। अब यहां पे होगा सेट एम चार्ट इक्वल टू शीट 4
डॉट सैप्स डॉट एड चार्ट डॉट चार्ट। अब इसमें एक चीज और है कि एम चार्ट डॉट सेव सेट सोर्स, जिसका सोर्स भी अपने हिसाब से देना चाहते हैं, सोर्स डेटा। और इसमें हम सोर्स में क्या कर देना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं ए वन से बी एफ रेंज, ए वन से बी एफ। तो ये देखिए चार्ट आपका बन जाएगा, चार्ट बन गया। लेकिन मैं चाहता हूं इसमें लाइन मार्कर का चार्ट ऐड करूं, तो क्या इसमें होगा ऐड स्टाइल? अच्छा हाँ, ये लाइन मार्क 2010 में सपोर्ट कर रहा था, मुझे यहां पे 202 देना होगा। यहाँ पे चार्ट का टाइप जो है, चार्ट का टाइप इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। देखिए दिख रहा है आपको, ये चार्ट बन गया, चार्ट टाइल के ऊपर चलता है। अरे 202 क्या है? ये 202 है आपका इस स्टाइल का नंबर, चार्ट आपका बनेगा इस स्टाइल में। पर वो कैसे पता चलेगा फिर हमें? तो कुछ नंबर्स है, जैसे 205 है, 205 का आपका इस ए स्टाइल है। जो चार्ट को सेलेक्ट करते हो ना आप, तो ये होता है आपको। सर अगर इसमें लाइन देना हो तो चार्ट पे 200 से स्टार्ट है, 201 से स्टार्ट है, 202 पे भी था, 203, 204, 205, इस तरह चलता है। सर अगर इस कॉलम में लाइन देनी हो हमें तो? हाँ वो दिखाएंगे, फॉर्मेटिंग बताएंगे हम कैसे करना है आपको, ठीक है ना। अभी तुम चार्ट को क्रिएट करना सीख रहे हैं, तो चार्ट ऊपर से लाइन मार्कर था ना, ये वर्क नहीं करेगा। इसमें हमें स्टाइल देना पड़ेगा, चार्ट के टाइप नहीं। लेकिन अगर आपको चार्ट का टाइप चाहिए तो मैं यहाँ पे एम चार्ट डॉट चार्ट टाइप लिखिए, आपको चार्ट टाइप इक्वल टू ये आपके चार्ट टाइप है, चार्ट का टाइप ऐसे दिया जाता है, ठीक है सर। जो चार्ट चाहिए वो चार्ट यहां आप ले सकते हैं। जैसे मैंने एक्सेल लाइन कर दिया, अब मेरे पास चार्ट बनेगा, वो एक्सेल लाइन का चार्ट बनेगा, ठीक है। तो एक्सेल लाइन का चार्ट ये बन गया सर। इसकी वीडियो मेल कर देना सर, मेरा पीसी खराब है। ठीक है, हेलो, ठीक है सर। क्लियर है सर? तो आप जो है बुक नंबर, बुक में जो आपका 600 पेज नंबर 600 पे आपको ये मिलेगा, चार्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, जो पीडीएफ बुक आपको दिया हुआ है, उस चार्ट ऑब्जेक्ट को आप क्या करें, उस चार्ट ऑब्जेक्ट को, उस चैप्टर को पढ़े। फिर हम कल आपको जो है कॉम्प्लिकेटेड चार्ट समझे बनाना हम सिखाएंगे, और चार्ट को ऊपर से मूविंग चार्ट हो गया, और बाकी जो चार्ट के तरीके है ये तरीका हम सिखाएंगे अगली क्लास, एक्टिव करना, डीएक्टिव करना, ये चीजें हम आपको अगली क्लास में बताएंगे।